नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिट प्लैटर डॉट कॉम। आई एम संजीव श्रीवास्तव। तो चलिए आज की बड़ी सुर्खियां और खबरें देखते हैं। सबसे बड़ी सुर्खी और सबसे बड़ी खबर तो बनाता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, अमेरिका का राष्ट्रपति। और चर्चा तो अभी से ही शुरू हो गई है, जुमा जुमा एक महीना तो हुआ नहीं है उनको शपथ लिए हुए कि कहीं ये रिचर्ड निक्सन के बाद एक और राष्ट्रपति तो नहीं बनने जा रहे जिनका इम्पीचमेंट होगा। बहरहाल इम्पीचमेंट हो या नहीं हो, लेकिन दुनिया भर को व्यस्त जरूर रखते हैं अपनी जुमलेबाजी से, अपनी खास तरह की अदाओं से, अपने कभी गुस्से से, तो कभी जो उनका निराला प्रेम करने का अंदाज है। कल उन्होंने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पिछले दिनों कई विवादों में रहा है उनका प्रशासन। पहले उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इस्तीफा हुआ, रूसी एम्बेसडर से जिस तरह की उनकी गुफ्तगू हुई थी, रशिया पे सैंक्शन जो लगाई थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस पर जो उनका विचार विमर्श हुआ था, क्या उसको प्रेसिडेंट की सैंक्शन थी, उनकी तरफ से हरी झंडी थी या नहीं, क्या उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की थी कि नहीं डिप्लोमेसी के संदर्भ में, और अमेरिका रूस के जो परंपरागत संबंध है, इवन बियॉन्ड कोल्ड वॉर, आज कोल्ड वॉर नहीं है लेकिन फिर भी रूस और अमेरिका दुनिया के दो पोल्स माने जाते हैं, तीसरा पोल अब चाहे चीन बन गया है या दूसरा पोल बन गया। बहरहाल तो माइकल फ्लिन का इस्तीफा हुआ था, जिस तरह से उनके लेबर सेक्रेटरी ने लास्ट मिनट अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया था क्योंकि वो श्रमिकों के हितैषी कम और मालिकों के हितैषी की तरह से ज्यादा देखे जाते थे। इन सब विवादों के बीच और किस तरह से उनके ट्रैवल बैन को ओवरटर्न कर दिया था जुडिशरी ने, पहली लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिसमें बहुत ही ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड मुद्रा में नजर आए राष्ट्रपति ट्रंप। कभी कहते थे कि मेरा प्रशासन बहुत शानदार चल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कभी प्रेस पे बिफड़ते थे, कभी सीएनएन को जेम कहते थे, कभी बीबीसी को अनदर ब्यूटी कहते थे। वेल, यू नो, नथिंग सरप्राइजेस अस एनीमोर अबाउट द वेज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। सो वंस अगेन ही स्टक टू द स्क्रिप्ट, ही मैनेज्ड टू यू नो रिमेन इन हिज ओन इमेज ऑफ सम काइंड ऑफ complete maverick who has taken over as the US president. So he of course justified his decisions. He said ki Flynn ne koi galat kaam nahi kiya tha rusi ambassador se milke, envoy se milkar, lekin kyunki bataya nahi tha aur vice president ko mislead kiya, that's not acceptable, iske maine hata diya. Dusre muddon pe bhi unhone baat ki, arthniti ki bhi baat ki, iran ke sath hue samjhote ko ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए सबसे बेकार समझौते की तरह, वर्स्ट एग्रीमेंट की तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। और भी बहुत सारी बातें की जिसके बारे में आप सुनेंगे शिवकांत से, मेरे सीनियर कोलीग हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर एरिक प्लैटर के, व्हेन ही कम्स आउट विद हिज फॉरेन अफेयर्स डाइजेस्ट इन सम टाइम फ्रॉम नाउ। चलिए अपने देश की तरफ रुख करते हैं, यहां की खबरें देखते हैं। यहां बड़ी खबर, 12 साल बाद दिल्ली ब्लास्ट में जो जजमेंट हुआ है उसमें दो अक्यूज्ड रिहा कर दिए गए फॉर लैक ऑफ एविडेंस। दो पहल हुए इसके कि प्रोसिक्यूशन 12 साल में भी इतने सबूत नहीं जुटा पाया कि उनको कन्विक्ट करवा पाए, और दूसरा ज्यादा दर्दनाक पहलू और ज्यादा संजीदा पहलू कि अगर ये सच में मासूम थे, सच में निर्दोष थे, तो 12 साल उनकी उम्र के शायद प्राइम ऑफ देयर लाइफ दे वेस्टेड बिकॉज ऑफ अ बॉच्ड अप प्रोसिक्यूशन एंड बिकॉज ऑफ स्टूपिड इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लीट मिसहैंडलिंग ऑफ द केस बाय द पुलिस एंड जुडिशियल अथॉरिटीज। एक और खबर जो भारत के और चुनावों से संबंधित है उसकी तरफ बात करते हैं। राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है हिंदू अखबार की नेस्चुला हेबर को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो इंटरव्यू पढ़ा, इंटरव्यू खासा अच्छा है। और मेरा हमेशा से मानना है कि जब राहुल गांधी अंग्रेजी में संवाद करते हैं, अंग्रेजी में एंगेज करते हैं और कुछ सोच समझ के एक उनका इंटरेक्शन होता है, तो ही कम्स अक्रॉस एज अ फेयरली आई थिंक क्वाइट रीजनेबल, क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, क्वाइट अ सेंसिटिव पर्सन। और इस इंटरव्यू में फिर वो देखिए, जब वो टेलीविजन कैमरा में होते हैं, जनसभा में होते हैं और हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं, तब उनसे उत्सुक होती है। तो आज का इंटरव्यू बड़ा ही संतुलित इंटरव्यू है और कहूंगा कि बड़ा सधावा इंटरव्यू। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे बड़े नपे तुले प्रहार किए हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की बात की है, यहाँ की बुनियादी लोकतंत्र की बात की है, कहा है कि कैसे हमारी स्पिरिट में ये कंसेंसस बिल्डिंग है भारत की, और प्रधानमंत्री और बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिक्स इसके बिल्कुल विपरीत है। सो आई थिंक फिर उन्होंने यूपी इलेक्शन में जो अलायंस किया है उसको जस्टिफाई किया है, आगे की बातें की हैं। आपके बारे में उनका बड़ा दिलचस्प जवाब है कि आप भी एक किस्म की बीजेपी है, वहां वन पर्सन रूल है। और जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आपकी पार्टी में भी तो एक ही परिवार की सत्ता है, अभी आप गांधी परिवार से हैं इसलिए बस आप लोगों की चलती, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हों और देखें इसकी बैठकों में बैठकर, तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र है और एक कंसेंसस बिल्ड करने का प्रयास किया जाता है। आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज बिकॉज द लास्ट वर्ड इज ऑलवेज ऑफ द गांधीज एंड द फैमिली एंड द पार्टी हाई कमांड, बट यस,
Maybe he has a point there when he says that there is a little more democracy within the Congress party and maybe a more sensitivity in the Congress party vis-a-vis some of the other parties. UP elections ki baat chuki chali rahi hai, to sandarbh mein bataya aapko kal raat ko main television dekh raha tha aur India TV kafi cut kar rahi thi Narendra Modi sahab ki speeches aur Akhilesh ki speeches mein. तो अखिलेश की स्पीच में मुझे जो खास बात नजर आ रही थी कि बड़ा इत्मीनान में था, बहुत ही चैन से आराम से बिना आवेश में आए. आई जस्ट मेंशन्ड इट टू माय फैमिली मेंबर्स कि देखिए, ही इज वन पर्सन हु सीम्स टू बी कंप्लीटली एंजॉयिंग दिस कैंपेन. और आदमी कैंपेन एंजॉय कब कर रहा होता है, जब थोड़ा आश्वस्त होता है. एंड अखिलेश के एक तरह से तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, कम से कम ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ समाजवादी पार्टी लीडर. खुदा ना खास अगर उसकी पार्टी नहीं जीतती है, समाजवादी पार्टी, तब भी यूपी पॉलिटिक्स में अगले 25-30 साल के लिए वो एक प्रासंगिक एक रेलेवेंट इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है. ही हैज टेकन हिज गार्ड एंड ही इज आउट देयर एंड ही विल प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स. सो ही हैज बिकम अ रेलेवेंट फैक्टर ऑन हिज ओन अ पोल बाय हिमसेल्फ इन यूपी पॉलिटिक्स. और जहां तक इस चुनाव के नतीजे का सवाल है, मुझे लगता है कि इन एनी केस यूपी और यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस को एक निश्चित सी साइकोलॉजिकल जमीनी बढ़त मिली हुई है जिसका उनको लाभ मिलने वाला है. प्राइम मिनिस्टर बहुत तेज में बोल रहे थे, बहुत गुस्सा उनकी आवाज में लग रहा था. तो कई बार आक्रामक अंदाज अच्छे लगते हैं, कई बार इतना आवेश और गुस्सा अच्छा नहीं लगता. आई डोंट नो यूपी की जनता उनके इस तरह के एड्रेसेस को किस तरह से ले रही है. और यूपी के चुनावों के संदर्भ में ही सिद्धार्थ वरदराजन ने वायर में एक पीस लिखा है, तो जो ध्यान होगा आपको, दो दिन पहले एडिट प्लैट में हमने खबर लगाई थी कि किस तरह से दैनिक जागरण की वेबसाइट ने ओपिनियन पोल एग्जिट पोल पब्लिश किया फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग के बाद, जिसमें 73 में से 61 सीट्स उन्होंने बीजेपी को दी, जिसको लेकर कोहराम मचा. दैनिक जागरण का जो वेब एडिटर है उनको अरेस्ट किया गया. तो अब सवाल ये उठ रहे हैं, और जैसा हमने भी कहा था कि भाई ये संपादक की क्या गलती है, संपादक ने मालिक के हुक्म की पालना नहीं होगी. अब मालिक ने यह कहा बताया है कि ये तो एक विज्ञापन था, ये तो पेड न्यूज थी. तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि तो ये पेड न्यूज किसने छपाई थी, विज्ञापन के पैसे किसने दिए थे, और अगर विज्ञापन छप रहा है तो उसमें संपादक बेचारे की गलती, तो संपादकों को पत्रकारों को मारना बंद करो, उन्हें स्केपगोट बलि का बकरा बनाना बंद किया जाए. पैसा कोई और कमा रहा है, जेब किसी और की भारी हो रही है, लाभ किसी और को हो रहा है, और पत्रकार निपट रहे, पहले ही नौकरियां नहीं है बाजार में, तो उस स्थिति में कम से कम आप पत्रकारों को बख्शे. आगे बढ़े और शिवपाल यादव, जिन्होंने कहा था कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा, वो अब कह रहे हैं कि अगर मुझे मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाएगा तो मैं इसी पार्टी में रहूंगा. शायद वो समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में हवा का रुख किस तरफ का है. अब कुछ खबर की बात और करते हैं पाकिस्तान की. पाकिस्तान की जो सूफी श्राइन सिंध में थी, लाल शाहबाज कलंदर साहब की सूफी श्राइन थी, वहां पे कल जबरदस्त आत्मघाती हमला हुआ, 70 लोग मारे गए, 250 लोग जख्मी हो गए. एक बड़ा अच्छा पीस हमने हिंदी अरे प्लाट पे लगाया इस सूफी श्राइन का, जो बैकग्राउंड है कैसे 1200 ईस्वी 1265 के आसपास ये सूफी सेंट वहां आए थे, और फिर किस तरह से इनकी ये मजार बनी है. 1317 के आसपास 98 बरस की बड़ी फुल एंड फुलफिलिंग लाइफ इन्होंने लीड की. बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत फारसी सब भाषाओं का उनको ज्ञान था, और बहुत ही ओपन माइंडेड व्यक्ति थे, इसलिए वो इतने बड़े सूफी सेंट थे. नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने ये हरकत की है, आईसिस ने इसकी जिम्मेदारी ली है. लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में इस तरह की आतंकी घटनाओं का सिलसिला चलता है, बमबारी होती है, और कभी शिया तो कभी सूफी इन लोगों को टारगेट किया जाता है हार्डकोर इस्लामिस्ट चरमपंथियों द्वारा, उससे बड़ा अफसोस होता है. लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना पड़ेगा कि जैसा बोते हैं फसल भी उसी किस्म की होती है. अगर आप गुड एंड बैड जिहादी, गुड एंड बैड टेररिस्ट, इन सब में फर्क करते हैं, स्ट्रेटेजिकली चरमपंथियों को भारत के खिलाफ कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हाथ कभी कभी आपको भी काटेगा. और अब तो लगता यह है कि वो भारत को नुकसान जितना पहुंचाता है उससे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है. सो जब तक ये डिफ्रेंसिएशन खत्म नहीं करेंगे शायद पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में लोग, कि कोई फर्क नहीं हो सकता, खराब व्यक्ति, खराब सोच, खराब काम, ये सब हर स्थिति में खराब होते हैं, चाहे किसी के भी अगेंस्ट डायरेक्टेड हो,
जब तक इस नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे और कुछ कड़े कदम नहीं उठाएंगे आतंकियों चरमपंथियों के खिलाफ, जब तक पाकिस्तान को इस तरह की घटनाओं से निजात नहीं मिलने वाली आसानी से, दैट्स द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ। और कई अच्छे इंटरेस्टिंग ओपिनियन पीसेस लगे हुए हैं। हरिंदर बवेजा का एक पीस है जिन्होंने कहा है कि हर कश्मीरी यूथ जिहादी नहीं है, वो जवाब देनी थी भारतीय सल्तनत थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत के कल की बात का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो स्थानीय लोग कश्मीर में आतंकियों चरमपंथियों का समर्थन करते नजर आएंगे उन्हें भी देशद्रोही की तरह से देखा जाएगा। इसमें मैं हरिंदर बवेजा की बात से सहमत हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि एक ऐसी कैच-22 सिचुएशन है जिसमें आर्मी या भारत सरकार करे तो क्या करे, स्थानीय प्रशासन करे तो क्या करे, लेकिन वो लोग जो आतंकियों को शरण देते हैं, उनको भाग जाने में मदद करते हैं, पुलिस और सुरक्षा बलों की गाड़ियों में पथराव करते हैं, उनको क्या कहें अगर देशद्रोही नहीं कहें तो, उनको क्या कहें आतंकी नहीं कहें तो। बस प्रॉब्लम यह है कि एक पॉलिटिकल मसला है, इसका सियासी राजनीतिक हल निकलना है। ये असल में ये लड़ाई और ये मुद्दा बम और बंदूकों से सेटल नहीं होगा, ये सबको समझना पड़ेगा, तभी इस बात का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा, परमानेंट सोल्यूशन। और चूंकि कश्मीर की बात कर रहे हैं इसलिए बात जरूर करनी पड़ेगी हमारे जाबाज फौजी अधिकारी मेजर सतीश दहिया की, जिन्होंने अपनी जान दे दी भारत के लिए और आतंकियों से लड़ते हुए, और वो बच इसलिए नहीं पाए। बिपिन रावत साहब का जो स्टेटमेंट था वो ऐसे ही केसेस की वजह से है, क्योंकि वो मौके पे उनकी गाड़ी उनका कन्वॉय निकल नहीं पाया, इतनी लोगों ने स्थानीय लोगों ने हंगामा मचा कर रखा, रुकावटें पैदा की, नहीं तो शायद वो बच जाते। अगर श्रीनगर बेस अस्पताल समय पहुंचते, कल हरियाणा में उनके गाँव में उनकी अंतिम संस्कार हुआ, 2 साल की बच्ची ने चिता में मुखाग्नि दी, उसके तो शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। 3 साल पहले शादी हुई थी उनको, अपनी थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी की वेडिंग गिफ्ट उन्होंने अपनी पत्नी को जो भेजी थी वो उनके शव के थोड़ी देर बाद गांव पहुंची, तो आप देखिए उस परिवार की क्या स्थिति होगी। और अगर हम ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो अपने देश के प्रति हम क्या धर्म का निर्वहन कर रहे हैं और किस तरह की समाज का निर्वहन कर रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स बहुत आवश्यक है, मानव अधिकार, अच्छी बातें, लोकतंत्र, ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हमारे वीर जवानों का, अफसरों का खून हम निरर्थक जाने देंगे, उनका बलिदान निरर्थक जाने देंगे, तो कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता। इसलिए जब इन सब चीजों को बैलेंस करते हैं तब भी कहीं ना कहीं राष्ट्र का हित सर्वोपरि रखना पड़ेगा, उसके बारे में सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ पढ़ने लिखने के लिए अच्छी सामग्री है एडिट प्लैटर पे, आप जुड़िए। बेस्ट ऑफ ट्रेंडिंग, बेस्ट ऑफ वर्ल्ड स्टोरीज पॉडकास्ट मेरे कुलीग्स की, बहुत अच्छे ओपिनियन एंड थॉटफुल पीसेस, सो प्लीज कम जॉइन अस, हैव अ लुक, टेस्ट एडिट प्लैटर एंड टेल अस हाउ यू फाइंड इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली डे।